फिर जमीन आसमान को ऐसे झटका देगा, एक झटका देगा, फिर कहेगा अनल मलिक मैं बादशाह हूं। ओ मेरे भाइयों बहनों, ऐसी मौत मांगो अल्लाह से, जब जा रहे तो अल्लाह खुश हो रहा, ऐसी मौत ना हो जैसे भागा हुआ मुजरिम पकड़ा जाता है, हथकड़ियां लगा के जेल में ले जाया जा रहा है। ऐसी मौत मांगो और ऐसी जिंदगी गुजारो मौत हमारे लिए राहत, अल्लाह खुश हो रहा। जब साद बिन माज का इंतकाल हुआ तो आपने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, साद बिन माज बड़े सहाबा में, मेरे नबी ने फरमाया कि आज अल्लाह का अर्श खुशी से झूम उठा है, क्योंकि वहां तो जा रहे हैं ना, यहां से निकलना है, वहां तो पहुंचना है, वहां तो खुशी है, यहां गम है। तो आपने कहा, मेरे नबी ने फरमाया कि आज मेरे अल्लाह का अर्श साद के पहुंचने पर खुशी में झूम उठा है। ऐसी मौत मांगो कि अल्लाह का अर्श भी खुशी से झूमे, अल्लाह भी खुश। क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? इस धोखे के घर, इस मच्छर के पर, इस मकड़ी के जाले, इस दुखों के घर, इस गमों की दुनिया में क्या ढूंढते हो? जाओ अल्लाह को ढूंढो, जाओ उसके हबीब को ढूंढो, फिर जाओ मजे की जिंदगी यहां गुजारो, मजे की नींद कब्र में पूरी करो और जन्नत में हमेशा की राहतों के मालिक बन जाओ। या रसूल अल्लाह मुलाकात के शौक में है, हाय तो मेरे नबी फरमाते कि मेरे हसनैन का क्या होगा, मैं तो देख रहा हूं एक जहर में तड़पता है, एक बच्चों समेत नेजे पे चढ़ा हुआ है। वैसे भी मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह को राजी करने के लिए आखिरी हदों तक पहुंचना भी कामयाबी का सेहरा गले में डालना है। एक ने फतह का झंडा गाड़ा, क़यामत तक के लिए जिल्लत उसके माथे का निशान बन गई। एक ने सर कटा के नेजे पे चढ़ाया और क़यामत तक के लिए इज्जत का सेहरा गले में डाल लिया। क्यों? कि एक दुनिया की बाजी हारा पर अल्लाह को लेके जीत गया और एक दुनिया की बाजी जीता और अल्लाह को खोके हार गया। अल्लाह को पा लेने के बाद कोई हार हार नहीं, अल्लाह को खो देने के बाद कोई जीत जीत नहीं। अल्लाह को अपना मतलब बनाओ, अल्लाह को मतलब बनाओ, अल्लाह को मतलब बनाओ, अल्लाह को अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। हे जिब्रील वापस जाओ और अल्लाह से पूछ के आओ, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगी? हाय वाह या रसूल अल्लाह, हर कोई अपने बच्चों के लिए परेशान होता है कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। आप कह रहे हैं मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा मेरा अल्लाह, जाओ अल्लाह से पूछ के मैं फिर जवाब दूंगा। वापस गए, जवाब आया कि अल्लाह कह रहे हैं कि साथ दूंगा, मेरे रब की इज्जत की कसम और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो उस कमली वाले का। अगर आप ये सवाल ना उठाते आज मैं और तुम भी बंदर खिंजीर होते। बीच में वो हायल हो गए, उनके आंसू उनकी दुआएं। मछली खाने पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, पूरे शहर को बंदर बना दिया। मछली खाना कौन सा गुनाह है? अल्लाह ने कहा बस हफ्ते को नहीं खानी, खाओ इतवार पीर मंगल बुध जुमरा जुमा खाओ, हफ्ता नहीं। मगर नहीं खाएंगे, खाया अल्लाह ने बंदर बना दिया। शराब पीना मछली खाने से बड़ा गुनाह है और बेचना उससे भी बड़ा गुनाह है, और नशे की चीजें बेचना उससे भी बड़ा गुनाह है, मां बाप की नाफरमानी उससे भी बड़ा गुनाह है। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? अल्लाह को पता है, तो कोई निशानी बता दें, कोई निशानी बता दें। तो आपने फरमाया
जब माओ को जलील किया जाएगा क्यामत आ जाएगी। ये तो उसकी दुआएं हैं, बीच में आके खड़ी हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने किसी को बंदर बनाया, किसी को खिंजीर बनाया, किसी को जमीन में धसाया, किसी को पानियों में बहाया, किसी को हवाओं से उड़ाया, किसी पर आग को बरसाया, किसी पर बिजलियों की चमक को से उनको राख किया। कब मेरे रब ने क्या कुछ नहीं किया। वकम अहलकना मिन अल-क़ुरून मिन बाद नूह वकफा बिरब्बिक बिज़ुनूब इबादिही खबीरन बसीरा। क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, वो कुछ क्यों नहीं हुआ कि वो कमली वाले की दुआएं हैं, दुआएं हैं, दुआएं हैं। रोना धोना है उम्मती उम्मती। अच्छा चलो ये तो दुनिया हो गई, आपने याद रखा। मैदान माशर में मेरे नबी ने फरमाया जब जहन्नम को लाया जाएगा और एक चीख मारेगी, कोई किसी को याद नहीं करेगा, सब भूल जाएंगे। हर एक की जबान के आपने मशहूर लफ्ज़ सुना होगा, नफसी नफसी। जब जहन्नम आएगी तो एक चीख मारेगी और कई बिलियन फरिश्ते उसको पकड़ के ला रहे होंगे और वो उनके हाथों से निकल रही होगी, निकल रही होगी, और उसकी आग के शोले और उसका धुआं और उसकी चीख और उसकी आवाज। तो जब वो करीब आएगी तो उसके आवाज पर सारे मर्द औरत जमीन पर गिरेंगे और सब कहेंगे या रब्बे नफसी नफसी, या रब्बे नफसी नफसी, या रब्बे नफसी नफसी। अल्लाह मेरी जान, मेरी जान, माँ नहीं, अब्बा नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, मेरी जान। चलो मैं तो आप आम लोग हैं, अंबिया नबी कहेंगे या अल्लाह मेरी जान। इब्राहिम खलील जैसे कहेंगे या अल्लाह मैं किसी का सवाल नहीं करता, बाप का भी नहीं करता, मेरी जान। और इस ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान, मेरी जान। मर ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक नफसी नफसी, नूह अलैहिस्सलाम नफसी नफसी, यहया ज़करिया बाप बेटा हैं लेकिन नफसी नफसी, सुलेमान दाऊद बाप बेटा हैं लेकिन नफसी नफसी, यूसुफ याकूब बाप बेटा हैं लेकिन नफसी नफसी, याकूब व इसहाक बाप बेटा हैं लेकिन नफसी नफसी, इसहाक इब्राहिम बाप बेटा हैं लेकिन नफसी नफसी, इस्माइल इब्राहिम बाप बेटा हैं लेकिन नफसी नफसी। ये नबियों का हाल है, मेरा क्या हाल होगा। लेकिन इसी हंगामे में जब हर मर्द औरत कहेगा नफसी नफसी, एक आवाज उभरेगी उम्मती उम्मती, एक आवाज आएगी उम्मती उम्मती, एक दुख भरी एक दर्द भरी आवाज आएगी उम्मती उम्मती। सुनने वाले हैरान होंगे ये कौन है, ये कौन है जो अपने आप को नहीं मांग रहा अपनी उम्मत को मांग रहा है, ये कौन है। जब आवाज की तरफ नजरें लगेंगी, ओ ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, झोली फैली हुई है, हाथ उठे हुए हैं, ए रब मेरी उम्मत। कौन सी उम्मत सारी जिंदगी शराब बेचते रहे, कौन सी उम्मत सारी जिंदगी ड्रग्स बेचते रहे, कौन सी उम्मत सारी जिंदगी जिना करते रहे, कौन सी उम्मत सारी जिंदगी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते रहे, सारी जिंदगी जुआ खेलते रहे। आप तो कहते दफा हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ, न तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल, न मेरी नस्ल की कुर्बानियों का तो ख्याल, मेरे मासूम बच्चे नेजों पे छड़के इसके दीन के, तुम चंद पौंडों पे क्या जुल्म ढाके आए हो, दफा हो जाओ या अल्लाह इन्हें जहन्नम में डाल, ये कहने का मौका था। मैं कुर्बान जाऊं उस नबी रहमत की, उस कामिल अकमल नबी पर, उस हादी रहबर पर, मैं कहां से अल्फाज लाऊं उनकी तारीफ के लिए। दो हस्तियों का हक नहीं अदा किया जा सकता, एक अल्लाह, एक अल्लाह का रसूल। हर एक का हक अदा हो सकता है, अल्लाह और उसके रसूल का हक नहीं अदा हो सकता। वो कहते जाले इनको आग में डाल दे, इन्होंने ना मुझे देखा, न मेरा घर देखा, न मेरे पेट पे पत्थर देखे, न मेरा रातों को तड़पना देखा, न मेरा मचलना रोना देखा, न उहद में टूटे दांत देखे, न ताइफ में बिखरा खून देखा, न करबला में औलाद के सर नेजों पे चढ़े देखे। दफा दूर कर दे मेरी आंखों से, मैं कुर्बान जाऊँ उस नबी रहमत पर। कह रहे हैं अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, ना यहाँ भुलाया ना वहाँ भुलाया।
आपके लिए मिंबर आएगा, मेरे हबीब बैठो, तो आप कहेंगे अब मैं, मुझे ख्याल आएगा अगर मैं बैठा तो ये मुझे लेके जन्नत में ना चला जाए। और उस अल्लाह कह रहा बैठो तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद ज़मीन पर खड़ा रहूँगा, मिंबर पर हाथ रख दूँगा। क्या अल्लाह तेरी मान ली, मैं हाथ रखा हुआ, लेकिन मैं बैठूँगा नहीं कि मैं अपनी उम्मत का आखिरी हिसाब करवा के ही जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। आओ भाई, हमारा नया साल, हमारा साल तो मुहर्रम से शुरू होता है। वैसे तो जनवरी भी अल्लाह का, मुहर्रम भी अल्लाह का। सूरज अल्लाह ने बनाया तो जनवरी फरवरी भी अल्लाह का, और चांद अल्लाह ने बनाया तो मुहर्रम रबीउल अव्वल भी अल्लाह ताला का। दोनों ही अल्लाह के हैं, किसी ने ये ले लिया किसी ने वो ले लिया। हमारे हमने चूँकि चांद का कैलेंडर बनाया तो हमारा तो अब साल शुरू हो रहा है, हमारा तो न्यू ईयर अब है, हमारा न्यू ईयर रोने से शुरू होता है। कैसा अल्लाह ने निजाम बनाया, किसी और महीने में ये वाकया हो जाता, नहीं साल के शुरू में ये वाकया रखा है कि हर एक को पता चले कि हाँ हाँ नया साल खुशी मनाने के लिए नहीं होता, नया साल आखिरत की तैयारी के लिए होता है कि एक साल चला गया, एक साल और जिंदगी से निकल गया, और भी जल्दी से अल्लाह को राजी करने का कोई काम करने को, तौबा करने को, अल्लाह को राजी कर लें। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। और ऐसी शफ़ को तो मोहब्बत, आप कहेंगे या अल्लाह ये मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर, मैं लूंगा तू ना ले, मैं लूंगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे आप क्यों लेना चाहते हैं, कहेंगे मैं इसलिए लेना चाहता हूँ कि इनके जितने ऐब सवाब हैं ना वो किसी को पता ना चले, पर मेरे सामने आ जाएं तो इनको शर्मिंदा ना होना पड़े, तो मैं कुर्बान जाऊँ। फिर वो रब्बे मोहम्मद है, उसने अपने हबीब की लाज रखनी है, वो कहेंगे मेरे महबूब अगर आप इनका हिसाब लेंगे और आप इनके गुनाह देखेंगे तो फिर इनको आपसे तो बड़ी शर्म आएगी, नहीं मैं आपको भी नहीं देता, मैं इनका हिसाब पर्दे के पीछे लूँगा, किसी को पता नहीं चलने दूँगा। इतनी बड़ी हस्ती, और आगे देखो ताइफ में पत्थर पड़ रहे हैं और हर कदम पे पत्थर पड़ते हैं, यहाँ तक कि एकदम पत्थर पड़ने से तो खून नहीं निकलता, पत्थर कौन सा कोई तीर होता है, पत्थर तो पत्थर है, लेकिन इतने पत्थर पड़े पिंडलियों के ऊपर के फट गई, उनसे खून निकलते निकलते निकलते, जो जूता था पाँव में ऐसे साथ ऐसे चिपक गया, सारी कायनात के दुल्हा सरदार बेहोश होके गिरे। वो आपके गुलाम जैद ने, नौकर थे, उन्होंने उठाया कंधे पर, भागे पीछे, वो सर पे चढ़े हुए पत्थर मार रहे हैं और आप जितना भाग सकते थे भागे, यहां तक के बेहोश होके गिर गए। खून ज्यादा निकल गया तो वो उन्होंने कंधे पर उठा दौड़ लगाई, और आगे सामने बाग था, किसका, सबसे बड़े दुश्मन का, मक्के वाले, उतबा बिन रबिया। उतबा कौन है, ये जंगे बदर में जिसके हाथ में झंडा था, और जंगे बदर में कुरैश मक्का के लश्कर का जो चीफ था वो, उसका बाग। लेकिन जैद को कोई पनाह नजर नहीं, वो बाग में घुस गए और अल्लाह के नबी को एक अंगूर की बेल के नीचे लिटाया। तो जान का दुश्मन उतबा, लेकिन जब अल्लाह के नबी को खून खून देखा तो उसका दिल भी पिघल के रह गया, कहने लगा हाय हाय ताइफ वालों ने मोहम्मद के साथ क्या कर दिया, जिस पर दुश्मन को रहम आया हमें उस पर रहम नहीं आया, हमने उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं लगाई। वो इतना इमोशनल हुआ कि जल्दी से गया और प्लेट में अंगूर तोड़ 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 के सजाए, जब जाने लगा तो फिर शर्म और वो एक हिजाब दरमियान में आड़े आ गया, तो अपने गुलाम को बुलाया, अद्दास का, अद्दास ये ले जा, वो जो आदमी जख्मी पड़ा उसे जाकर कहना कि तुम्हें रिश्तेदारी की कसम मेरे अंगूर रद्द ना करना, खा ले। हालांकि मौका था कि कत्ल करता,
हर वक्त कत्ल करने के मंसूबे बना रहे, मौका था कि कत्ल करता। ऐसा हाल था कि कातलों के भी आंखों में आंसू आ, नहीं आए तो तुम्हारी आंखों में नहीं आए। चंद पौंडों पे अपने नबी को बेच दिया, कहने का अद्दास ये ले जा, वो जो आदमी लेटर पर, उसे कहना तो मैं रिश्तेदारी की कसम देता हूं मेरे अंगूर रद्द न करना, खा। अद्दास आए और आकर अंगूर पेश किए, तब आपने एक अंगूर उठाकर बिस्मिल्लाह, तो अद्दास कहने लगा ये लफ्ज यहां तो लोग नहीं बोलते। आपने पूछा तू कहां का है, कहा मैं नीनवा का हूं। अच्छा, मेरे भाई यूनुस के शहर का, यूनुस अलैहिस्सलाम। वो कहने लगा मा अदरा का मा यूनुस, आपको यूनुस का कैसे पता है? तो आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, वो भी अल्लाह का नबी था। तो अद्दास ने एकदम आपके पांव पकड़े और चूमना शुरू किया और कलमा पढ़ लिया, तो आपको अपने सारे जख्म भूल गए। फिर जो आपने अल्लाह से बात की है ना, आए हाय 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 हाय, क्या अल्लाह पाक के सामने, अल्लाहुम्मा अश्कु इलैक ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व ख़वानी अलल नास, ए मेरे रब आज तुझसे गिला न करो, आज तुझसे गिला न करो, तूने मुझे किन के हवाले कर दी, तूने मुझे किन के हवाले कर दी, इला अदूविन मल्लकतहु अमरी औ बईदन यतजहम, ऐसे दुश्मनों के हवाले तूने किया जिन्होंने मेरा ये हाल कर दिया, तुझसे कौन सा छुपा हुआ है। सातों आसमान लरज गए, अर्श कांप उठा, और जिब्रील फरिश्ते को लेकर एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में हाजिर, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाएं, उत्बिक अलैहिम अश्शबैन, ये दो पहाड़ उठाऊंगा और यूं ऐसे चक्की की तरह यूं कर दूंगा। नबी रहमत, नबी रहमत, नबी रहमत, अरे तुम तो आपस में रहमत नहीं रहे हो, ऐसी फिरका वारियत की आग में जले हो, एक दूसरे को सलाम करना छोड़ गए, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना छोड़ गए, और जाओ पाकिस्तान में देखो एक दूसरे के खून के पैसे फिर रहे, ये कौन सी उम्मत है, ये कौन सा इस्लाम है। हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कहां पहुंची, कब ताइफ में, ताइफ में 23 बरस में सबसे ज्यादा तकलीफ कहां पहुंची, फरमाया ताइफ में, जिन्होंने इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी उनसे बदला लेने का वक्त आ गया है और फरिश्ता हाजिर है, अल्लाह की मंशा शामिल है, कर दूं, कर नहीं, ये ना सही, इनकी नस्ल में शायद कोई ईमान ले आए, लअल्लाह अन युखरिज मिन असलाबिहिम मन युवहिदुल्लाह, ये नहीं तो इनकी नस्ल ही शायद कलमा पड़ जाए, मैं अजाब दिलाने नहीं आया, मैं तो रहमत बनकर आया हूं, मा बुइस्तु लआनन, मैं लान तान करने नहीं आया, इन्नमा बुइस्तु रहमतन, मैं तो रहमत बन के आया हूं। अब मिंबर पे बैठने वाले लानते बरसा रहे हैं अपनों पर, उम्मत बनो, मुसलमान बनो, इस दुआ पर आसमान के फरिश्ते रोए, सातों आसमान के फरिश्तों में हलचल मच गई, मेरे भाइयों यहां कोई आजाद नहीं है, मौत से लड़ो दिखाओ, बुढ़ापे से लड़ के दिखाओ, गम और दुखों से लड़ के दिखाओ, यहां पाबंद बन के चलो उस अल्लाह के जिसकी शहनशाही है, उस अल्लाह के जिसने मुझे बनाया, उस अल्लाह के पाबंद बनो जिसने मुझे आंखों का नूर दिया, जबान में बोल दिया, जिस्म में ताकत दी, अकल को समझने के
औसाफ दिए उस अल्लाह के पाबंद बन के चलो जिसने कुरान को उतारा, जिसने धरती को बिछाया, जिसने आसमान को उठाया, जो मौत देने वाला है, जो मौत के बाद उठाने वाला है, उस अल्लाह के पाबंद बन के चलो जो मेरे जिस्म को चूरा चूरा करने वाला है, मेरी हड्डियों को रेत की तरह जर्रा जर्रा करने वाला है, उस अल्लाह की मान के चलो जो फिर मुझे मेरे इस पारा पारा वजूद को फिर जमा करने वाला है, उस अल्लाह के सामने झुको जो कब्रों को फाड़ कर मुझे फिर खड़ा करने वाला है, उस अल्लाह के सामने झुको जो सारी आदम की मुर्दा नस्ल को दोबारा जिंदा करने वाला है, उस अल्लाह के सामने झुको जो जमीन आसमान को एक दिन तोड़ने वाला है, तोड़ के फिर बनाने वाला है। इदस समा उन फतरत व इदल कवाकिब तफरत व इदल बिहार फुज्जरत व इदल कुबूर बुसरत, जमीन आसमान को हिला रहा है, मौत दे रहा है। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालहा, जमीन पे मौत आ रही है। इदस समा उन फतरत, आसमान मर रहा है। इदस शम्स कुव्वरत, चांद सूरज मर रहा है। मैदल जिबाल सुयरत, ये पहाड़ों की मौत है। अर्श फर्श लौह कलम कुर्सी, हर शय को फना के घाट उतारने वाला और खुद हमेशा बाकी रहने वाला, दायम रहने वाला, कायम रहने वाला, अपनी ज़ात में कायम, अपनी ज़ात में दायम, मौत से पाक, थकन से पाक, नींद से पाक, ऊंग से पाक, जुल्म से पाक, ज़ोब से पाक, खजानों का मालिक, इज्जत का मालिक, कुव्वत का मालिक, शहनशाही का मालिक, किबरियाई का मालिक, हीमनत का मालिक, जबरूत का मालिक, जबरूत का मालिक, खजानों का मालिक, फरिश्तों का मालिक, जिबरील का मालिक, मिकाइल का मालिक, इसराफील का मालिक, इज़राइल का मालिक, तारिक जमील का मालिक, बर्मिंगम वालों का मालिक, आदम की सारी नस्ल का मालिक, दो पाँव पे चलने वालों पर बादशाह, चार पाँव पे चलने वालों का मालिक, पानी की मखलूक, हवा की मखलूक, ज़मीन की मखलूक, रेंगने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, झपटने वाले, धाड़ने वाले, फाड़ने वाले, डसने वाले, सब पर मेरे अल्लाह की शहनशाही है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द वमा फीहिन, लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्द वमा बैनहुमा वमा तहता थरा, वइन तजहर बिल कौल फइन्नहु यअलमु सिर्रा वा अख्फा, वो कौन है? अल्लाह।